बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी दे रही हूँ। गर्मियों के मौसम में अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम घर में बहुत ही हेल्दी वे में बनाई जा सकती हैं, बहुत ईजी और सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, तो इन्हें ज़रूर ट्राई किया कीजिए और अपने फीडबैक दिया कीजिए। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम चाहिए हैं, तो मैंने दो बड़े आम लिए हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के मैंने दो आम लिए हैं। गुठली निकालने के बाद ये बचा है पल्प, तो अगर आप सिर्फ पल्प से नापें तो 3 कप भर के आपने मैंगो का गूदा लेना है। इसे हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके छन्नी से छानेंगे ताकि इसमें अगर कोई फाइबर वगैरह है तो वो अलग हो जाए, और फिर प्योरे को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से बहुत ही क्रीमी और रिच आइसक्रीम बनती है, तो कंडेंस मिल्क ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको चीनी इस्तेमाल करनी है तो मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपने कितनी चीनी यूज़ करनी है। इसके अलावा मैं इसके अंदर वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैंगो कस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अगर आपके पास मैंगो या वनीला कस्टर्ड नहीं है तो आप ये दोनों एसेंस के साथ कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो आप इजीली कर सकें। थोड़े से मैंगो चंक्स हैं ये, हम आइसक्रीम को डब्बे में डालते वक्त थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 गिलास नॉर्मल जो हम घर में दूध इस्तेमाल करते हैं वो जाएगा, या फिर आप इसके और मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, हर घर में होता है, तो बिल्कुल ज़रा सा डालिएगा ताकि आइसक्रीम जो है वो ऑरेंज ना हो, येलो ही रहे। उसके अलावा हम इसके अंदर क्रीम यूज़ करेंगे, तो 1.5 डब्बा मैं क्रीम का यूज़ करूँगी, 300 ml के करीब। सबसे पहले हम आइसक्रीम के लिए मैंगोज़ को प्योरे कर लेंगे और छान लेंगे, और उसके बाद हम कस्टर्ड रेडी करेंगे और उसे ठंडा करने के बाद आइसक्रीम तैयार करेंगे। एक पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी ले लिया है, इसके अंदर चला जाएगा ये मिल्क पाउडर, साथ ही चला जाएगा कस्टर्ड पाउडर, और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। इसे अच्छे तरीके से विस्क करेंगे और अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और धीमी आंच पे मुसलसल विस्कर चलाते हुए एक गाढ़ा कस्टर्ड पका लूँगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते जाएंगे और इस कस्टर्ड को पका के अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो बस मैं इसे 30 सेकंड और पका रही हूँ, आंच अभी तक मीडियम पर ही है, और फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इस कस्टर्ड को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। क्रीम को व्हिप करने के लिए प्याला भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्रीम डाल के, और ये अटैचमेंट जो है ये भी फ्रीज़र में रखे थे, तो ये बहुत अच्छे ठंडे हो गए। इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा क्रीम को बीट करके मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क मैं शुरू में थोड़ा डालूंगी और मैंगो प्योरे सब शामिल करने के बाद लास्ट में मैं इसको चक्के और अपने हिसाब से इसका मीठा एडजस्ट कर लूंगी। इसी वक्त मैं इसके अंदर 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल दूंगी और ये मेरे पास अच्छी क्वालिटी का वनीला एक्सट्रैक्ट है, तो मैंने 2 ड्रॉप डाले, आप 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डालिएगा, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1/4 टीस्पून मैंगो एसेंस। अच्छे से हम इसे दोबारा बीट करते हैं। क्रीम को हमने थोड़ा सा एरी करना है, इसको बिल्कुल स्टिफ पीक्स तक या सॉफ्ट पीक्स तक नहीं लेके जाना। क्रीम को मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बीट कर लिया है, अब इसके बाद इसे हटा देंगे और हम ये जो हमने कस्टर्ड पकाया था
ये निकाल लेंगे, आप देखिए कितना थिक कस्टर्ड है। इसके अंदर हम अपनी मैंगो प्यूरी डालेंगे, अब मैंगो प्यूरे शामिल करके हम इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। कस्टर्ड को मैंने अच्छे तरीके से प्यूरे के साथ मिक्स कर लिया है, अब हम इन तमाम चीजों को क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे और उस वक्त मिक्स करने के बाद हम कलर भी एडजस्ट करेंगे और इसका मीठा भी एडजस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करते हैं और इसका मीठा और कलर इसका एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ही चला जाएगा थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर में मैं एक टीस्पून के करीब पानी डालूंगी। मिक्स करते हैं अच्छे से। मेरे हिसाब से जरा सा कलर और जाएगा। आप देखिए मैंने एक चुटकी लिया था, एक टेबलस्पून पानी डाला है, उसमें भी मैंने कितना सा यूज किया है। तो देखिए अब इसका बिल्कुल परफेक्ट वो कलर आ गया है जो कि हमें मैंगो आइसक्रीम के लिए चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मैंने एक चुटकी कलर लिया था, उसमें एक टेबलस्पून पानी डाला था और मैंने आधा इस्तेमाल किया है। ये अच्छे से हमने सब चीजें मिक्स कर ली हैं। इस वक्त एसेंस भी चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है एसेंस आपने मैंगो कम डाला है तो मैंगो एसेंस या वनीला एसेंस जो एडजस्ट करना चाहें, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसी आइसक्रीम पसंद करते हैं उसके हिसाब से इसे तैयार कर लीजिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके इस बाउल को ही मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी और तकरीबन 3 घंटे बाद इसे एक दफा फिर से बीट करूंगी अच्छे से। फिर इसके अंदर मैं मैंगो चंक्स मिलाऊंगी और फिर मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज करूंगी। अभी मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही क्लिंग फिल्म से रैप करके और फ्रीजर में डाल दूंगी। देखें एक दफा मैंने इसकी बिल्कुल सरफेस के ऊपर रैप लगाया है और दूसरी दफा मैं प्याले को पूरा रैप कर रही हूं। इस तरह इसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तो ये हमने रैप कर दिया है इसे 2 दफा, हम इसे फ्रीजर में डाल रहे हैं। 3 घंटे के बाद इसे निकालेंगे, एक दफा फिर बीट करेंगे और उसके बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए किसी भी कंटेनर में डाल के और फ्रीज कर देंगे। अब 4 घंटे हो गए मुझे आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए और ये साइडों पे से जमने लगी, बीच में से अच्छी खासी अभी लूज है। इसको मैं दोबारा लो स्पीड के ऊपर तकरीबन 2 मिनट के लिए बीट करूंगी। अब हम इसे कंटेनर के अंदर डाल लेंगे। स्पैचुला से थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेते हैं। बाकी के मैंगो के चंक्स इसके ऊपर डाल देते हैं जगह जगह। प्रेस कर देते हैं जरा सा। इसके ऊपर फिर से हम वही प्लास्टिक शीट लगा देंगे जो हमने पहले लगाई हुई थी। बिल्कुल किनारे तक इसको इस तरीके से लगाएंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल एयर ना जाए और ये हार्ड हो जाएगी नहीं तो। देखिए इस तरीके से लगा दिया। अब इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे इसका और इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे। तो अब आप इसको फ्रीज करेंगे अपने एरिया के मौसम के हिसाब से। अगर ठंडे मौसम में आप हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं तो ये 8 से 10 घंटे में फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। लेकिन अगर आप कराची में या इंडिया में या पाकिस्तान में इस तरह के किसी एरिया में इस वक्त हैं तो फिर आप इसको 24 घंटे देंगे और ये जब फ्रीज हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आइसक्रीम हमारी 14 घंटे में बहुत अच्छी जम गई है। अब मैंने क्या किया है, एक ग्लास के अंदर गर्म पानी पकता हुआ ले लिया है और उसमें हम आइसक्रीम का जो स्कूप है उसे डिप करेंगे, टिश्यू पेपर से पोंछेंगे और फिर उसके बाद उससे आइसक्रीम निकाल के हम बोल में डालेंगे। आइसक्रीम बोल में फ्रीजर में 14 घंटे आइसक्रीम रखने के बाद आपने 10 मिनट उसे बाहर छोड़ना है
उसके बाद स्कूप करना है वरना नहीं निकलेगी। ये स्पेशली मैं कराची वालों के लिए कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे फ्रिजेस भी इस तरह के होते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त जमती है सब चीज़। तो अब आप देखिए मैंने 10 मिनट छोड़ दिया है तो कितने अच्छे स्कूप निकल रहे हैं। मैं ऑफ कैमरा भी आपको स्कूप्स करके दिखा सकती थी लेकिन उससे मुझे तिशनगी रह जाती है कि मैंने अब वीडियो पूरी नहीं बनाई है। तो देखिए कितने प्यारे स्कूप्स निकल रहे हैं। और एक बात ये कि मैंने जो इसके अंदर मैंगो चंक्स डाले उससे भी स्कूप जो है वो नीट नहीं निकल रहा। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डालें चाहे ना डालें। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही लजीज बनी है और बहुत ही ईजी भी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाएं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जहां काफ़ी रिटन रेसिपीज होती हैं, तो उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।